बहुत तो बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर में मेरा नाम है शुभेंदु पांडे क्रिकेट के मैदान के अंदर तो लड़ाई होती रहती है लेकिन हाल फिलहाल में एक लड़ाई क्रिकेट के मैदान के बाहर यानी कि सोशल मीडिया पर भी चल रही है वेंकटेश प्रसाद और के राहुल के बीच में ऐसा लोगों का मानना है और जिसको लेकर वेंकटेश प्रसाद ने सफाई दी है सफाई में क्या कुछ कहा है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे लेकिन पहले कुछ बातें उनके पहले की कर लेते हैं जब शुरुआत में जिस तरीके से के राहुल का फॉर्म था खराब फॉर्म था जिसको लेकर बहुत सारे सवाल एक साथ वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर दाग दिए एक के बाद एक करके उन्होंने ट्वीट कर दिया और फिर आकाश चोपड़ा से उनकी बहस भी हो गई लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ साथ ही वहां पर अगर आप देखें तो बात बढ़ता गया पूर्व क्रिकेटरों के भी इस पर रिएक्शन आते हैं और साथ ही वहां पर आता है लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि वेंकटेश प्रसाद ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा ही सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने लगातार पॉइंट बाई पॉइंट करके उन्होंने जिस तरीके से केल राहुल के आंकड़े सबके सामने रखे थे और साथ ही जब अभी भी कुछ ही दिन पहले जब ओडीआई सीरीज की बात हुई तो वहां पर उन्होंने पहले मुकाबले में केएल राहुल ने जिस तरीके से पारी खेली टीम इंडिया को जीत दिलाई तो वहां पर वेंकटेश प्रसाद ने उनकी तारीफ भी की जिसके बाद लोगों ने बोला फिर से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया वेंकटेश प्रसाद को लेकिन अब बारी वेंकटेश प्रसाद की आई और उन्होंने लोगों को जवाब दिया कि आखिर कार उनका जो आ, पूरा इस मसले पर जो उनका कहना था वो क्या कुछ कहना था क्या उनके अंदर वाकई में के राहुल को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं उसको लेकर उन्होंने पूरी पूरी अगर बात करें तो बातें अपने सबके सामने रखी हैं क्या कुछ कहा है वो आपको हम इस वीडियो में बताते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए बाकी हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए वहां पर भी जुड़ जाइए तो जिस तरीके से वहां पर वेंकटेश प्रसाद का कहना है के राहुल को लेकर कि मेरे अंदर किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है लेकिन बात बस इतनी सी है कि मुझे जो लगता है कि मैं वहाँ बोल देता हूं। कुछ लोग मेरी बातों को ले लेते हैं और कुछ नहीं लेते ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ के राहुल पर बात की है मैं सरफराज अहमद को लेकर भी अपनी बात कह चुका हूं। जो शानदार प्रदर्शन करते आए हैं मुझे पता है कि मेरे आ, मैंने कोई हद पार नहीं की है आ, कुछ लोगों ने इसको आलोचना को कुछ ज्यादा ही गंभीर तौर पर ले लिया ये कहना है वेंकटेश प्रसाद का इसके अलावा उन्होंने आगे और भी शब्दों को जोड़ते हुए कहा कि देखिए मैं के राहुल की बहुत इज्जत करता हूँ मैंने उसे अंडर सिक्सटीन के उसके दिनों से देखा हूँ करीब पंद्रह साल हो चुके हैं मैंने कर्नाटक के दिनों में उसके साथ खेल को देख चुका हूँ और उसके साथ काम भी कर चुका हूँ उसको काफी मौके दिए गए हैं और जिस तरह की उसमें क्षमता है उसे देखते हुए यह सही भी है लेकिन उसमें जो प्रतिभा है वह उस पर खरा नहीं उतर पाया मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में वह बेहतर होगा लेकिन एक बात मैं अब भी कहूँगा मैंने कुछ हार्श नहीं कहा मुझे जो लगा वह वही मैंने कहा तो ये कहना है वेंकटेश प्रसाद का उनको नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया उनको लगा जो सही है वही मैंने कहा है और जो कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए जो उन्होंने जिक्र किया कि प्रतिभा की बात की केल राहुल में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना वो अभी तक कर नहीं पाए इस पे कहीं ना कहीं आप भी इतफाक रखेंगे लेकिन वेंकटेश प्रसाद के इस नए बयान से आप कितने सहमत हैं कि आपको लगता है कि यहां पर वेंकटेश प्रसाद ने थोड़ी पलटी मारी या फिर थोड़ा बहुत उन्होंने नरम बयान दिया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म हो गए चाहे वो ट्विटर हो गया, गया इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत